सॉफ्टवेयर कनेक्टर रोल्स, कनेक्टर के क्या क्या रोल हैं, जैसे कि हम ये शुरू के कुछ दो तीन बुलेट पॉइंट दैट आर अबाउट द एडवांटेजेस और कंडीशन ऑफ इंट्रैक्शन अमंग सेट ऑफ कंपोनेंट्स के कनेक्टर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, कि ये कंपोनेंट्स के दरमियान इंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा उसकी स्पेसिफिकेशन या डिटेल प्रोवाइड करते हैं, और इनका फ़ायदा है क्या है, इसके ज़रिए से हम कनेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑफकोर्स जितने ज़्यादा हमें कनेक्टर के बारे में डिटेल पता होगी, जितने ज़्यादा हमें कम्युनिकेशन जो हमने दो क्लासेस या कंपोनेंट्स के दरमियान करनी है, जितनी ज़्यादा डिटेल पता होगी उतनी ही ज़्यादा हम कनेक्टर्स की भी डिटेल से प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेस, इट इज़ एबल टू मीडिएट, ठीक है, इंटरफेसेस से क्या यहाँ पे मुराद हो सकता है कि जिस कंपोनेंट के साथ इसने इंटरेक्ट करना है उसकी क्या टाइप होगी, कितनी दफ़ा वो उनके साथ मीडिएट करेगा, यानी कम्युनिकेशन के ऑर्डर के साथ साथ उसकी जो है वो कितने किस्म के डिफरेंट कंपोनेंट या इंटरफेसेस के साथ ये कम्युनिकेट करेगा, और उसके साथ साथ इसकी जो है वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली उसकी क्या होगी। एश्योरेंस अबाउट इंट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, क्या इंट्रैक्शन में कोई वैल्यू पास करेगी या कोई रेफरेंस पास करेगा या किस किस्म का डाटा जो है वो पास करेगा। रूल्स अबाउट इंट्रैक्शन ऑर्डरिंग, इंट्रैक्शन की ऑर्डरिंग के रूल क्या होंगे, यानी कि एक दफ़ा जब किसी कंपोनेंट से इंट्रैक्शन हो गई क्या दोबारा भी होगी या पहले एनोनिमसली डिफरेंट के साथ होगी, पहले क्या सबके साथ एक एक दफ़ा होगी फिर वो पहले से दूसरी से होगी या सो ऑन, ठीक है, एनी इंट्रैक्शन के में डिफरेंट क्लासेस के दरमियान ऑर्डर क्या होगा इंट्रैक्शन का, किस रूल के तहत होगी, क्या रैंडम हो सकती है या उसके लिए कोई, यकीनन या डिज़ाइनर का काम है कि इसके लिए क्या वो कोई जो है वो डिफाइन करता है प्रॉपर्टीज़ या ऑर्डर या नहीं करता। इंट्रैक्शन कमिटमेंट्स, ठीक है, इंट्रैक्शन तो होगी ज़रूर लेकिन क्या इसकी कमिटमेंट्स हैं, क्या किसी कोई भी क्या प्रॉपर्टी क्या कहीं अंडरमाइन तो नहीं होगी। अब हमें एक चीज़ पता है कि सॉफ्टवेयर जो बेसिक हम रूल है या जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पहले भी बताया है कि जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी अक्रॉस द कंपोनेंट्स अक्रॉस द क्लासेस उतनी ही ज़्यादा सिस्टम की परफॉर्मेंस कम होने के चांसेस हैं, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन का टाइम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। एक ऐसा कोड जो सिंगल एक क्लास में लिखा हुआ है और उसमें किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हो रही दूसरी क्लास के साथ, वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा इन कंपैरिजन टू दैट कोड जिसमें हम दूसरी क्लासेस को रेफरेंस के तौर पे उनके मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डिफाइन इस ऑफ कोर्स बेसिक या स्मॉल साइज एप्लीकेशंस के लिए परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन इशू, बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन जो है उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वी नीड टू मेक श्योर दैट यूज ऑफ बाई यूजिंग कनेक्टर्स वी आर एक्चुअली नॉट मेकिंग यू नो ऑन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑन परफॉर्मेंस फ्रंट, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो कनेक्टर्स को यूज़ करते हुए एक्सेसिव यूज़ के साथ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी परफॉर्मेंस सिस्टम की जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो अगेन वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, और वी कैन डिफाइन दैट, बट ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमें डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता हो। रोल्स क्या हैं जी, ये कनेक्टर के मेन रोल्स हैं, चार रोल्स, इन कुछ फोर सीज ऑफ सॉफ्टवेयर कनेक्टर रोल्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जन एंड फैसिलिटेशन, जैसे कि नाम से जाहिर है कम्युनिकेशन एक रोल कनेक्टर परफॉर्म करता है, कोऑर्डिनेशन का, कन्वर्जन का एंड फैसिलिटेशन का, तो इंशाल्लाह इन रोल्स को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फॉर नाउ यू नीड टू जस्ट मेमोराइज द कनेक्टर रोल्स के वो चार कौन कौन से हैं।